this is Becky Lynch and you are watching me on Must See News, Washington, America. So let me start the news with vaccination. World Health Organization already announced that people can get vaccinated nearby the clinic or any hospital near to their site. But some people are really worried about that because they think that it may have side effects. But according to World Health Organization, there is no any side effects and it's safe. Some people are getting rumors about getting dying 2 years after vaccinated, but according to World Health Organization, it's just a rumors. So that's it for today's news. So on behalf of the Musty News, please stay home and stay safe and get vaccinated as soon as possible. See you soon. Thank you. कौन नहीं, हमें तो चाहिए कि ये कोई फरार हो और हमें कोई न्यूज मिले। ये हमारी स्क्रिप्ट में नहीं था तो इसे कट कर देना, सॉरी। तो आइए देखते हैं और गौर से देखते हैं इस पिक्चर को और इसकी वीडियो को, ये कैसा है और ये कैसे कैसे दहशत फैला रहा है अपनी दहशतगर्दी आंखों से। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये वायरल वीडियो जो हमारे नुमाइंदे काशिफ अब्बासी ने बनाई है और आइए देखते हैं ये कैसे अपनी दहशतगर्दी फैला रहा है इस वीडियो में। चल माना जल से मैं गोली मार दूंगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस डाकू ने कैसी दहशतगर्दी से उस बच्चे को किडनैप कर लिया, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हुकूमत ने 1 करोड़ रुपया इनाम में रखा है। ठीक सुना आपने कि हुकूमत ने 1 करोड़ रुपया हम सबके लिए इनाम में रखा है। जो इसको पकड़ेगा इसको 1 करोड़ रुपया इनाम में मिलेगा। तो क्यों बैठे आप यहाँ, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं यहाँ? उठिए जाइए और उस बच्चे को बचाइए और उस डाकू को पकड़िए। आप भी चलिए, हम भी आते हैं थोड़ी देर में, हम भी करते हैं। मैं भी तो चलिए चलिए चलते हैं अगली न्यूज पर। तो सुनने में आया है कि हमारे देश में एक नया वायरस आया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हमारे देश में नया वायरस आया है जिसका नाम है डेंस वायरस। तो आप जानने में आया है कि किसी क्रीमी हॉस्पिटल में एक पेशेंट का हुआ है जिनका नाम रेशमा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, उनका नाम रेशमा है। तो जाते हैं उनकी वीडियो पे नजर। रेशमा, बारिश जो आया है ये सुनने में है कि ये गर्मी की वजह से आया है, ये गर्मियों की वजह से पैदा हुआ है और रेशमा को गर्मी बहुत लगी और उसको ये वायरस हुआ है। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको मुसलमान में रखे। तो वह बहुत ही मुझे तरस आ रहा है और अल्लाह करे कि ये किसी को ना हो ये वायरस। और हाँ, अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं, जी हाँ, इस वायरस से बचना चाहते हैं तो अपने घर में लगाइए नए एसी, एयर कंडीशनर। क्यों? हाँ जी, जरा लगाइए अपने
घर में एयर कंडीशनर और ठंडा कीजिए और ये वायरस किसी को नहीं होगा। क्यों अपने पैसे बचा रहे हो, क्यों कंजूसी कर रहे हो, प्लीज लगाइए एयर कंडीशनर और बचिए इस वायरस से। तो आज की न्यूज के साथ मैं चलती हूँ और लेके आऊंगी नई न्यूज़ें, नई खबरें। तो ठीक है, अल्लाह नेगेबान।